सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल एचआरडी मिनिस्टर का लाइव सेशन था, तो गाइज जो कल उनका लाइव सेशन था उसके अंदर गाइज उन्होंने डेटशीट को लेकर, जो बोर्ड एग्जाम की डेटशीट है उसको लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट करी थी। गाइज काफ़ी कम टाइम में उन्होंने कई सारी बातें बोली थी, लेकिन कई सारे यूट्यूब पे जैसे लाइव सेशन चल रहा था तो कई स्टूडेंट ने शायद वो लाइव सेशन में वो बड़ी बातें नहीं देखी। गाइज मैं कल रात को लाइव सेशन वापस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख रहा था, तो मेरे को बीच में एक इंपॉर्टेंट बात पता लगी डेटशीट को लेकर। क्या थी गाइज वो इंपॉर्टेंट बात बोर्ड एग्जाम की डेटशीट को लेकर, वो गाइज मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। लेकिन गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी अनअकैडमी के अंदर डेली T20 फ्री प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है कर्नाटका CET स्टूडेंट के लिए और बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए। गाइज जो ये टेस्ट है ये एकदम फ्री है, बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए या फिर KCET 2021 की तैयारी करने के लिए इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं। गाइज ये टेस्ट एकदम फ्री है, गाइज कुछ भी नहीं करना, आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है और मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखी है उस पर क्लिक करके अनअकैडमी ऐप में जाकर इस टेस्ट को एनरोल करना है। गाइज ये डेली फ्री टेस्ट होता है, कई बार आपसे इनविटेशन कोड वगैरह मांगा जाता है, तो गाइज इनविटेशन कोड के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, जीपी एडवाइस स्टैंड कोड यूज करना है और आप फ्री प्रैक्टिस टेस्ट के लिए एनरोल कर पाओगे। गाइज ये डेली टेस्ट होता है, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आपके प्री बोर्ड होने वाले या फिर KCET 2021 के एग्जाम देने वाले हो आप, तो गाइज इस फ्री प्रैक्टिस टेस्ट को आप ज्वाइन कर लो, काफ़ी गाइज आपकी हेल्प होगी बोर्ड एग्जाम के अंदर और KCET एग्जाम के अंदर। गाइज इसमें जो क्वेश्चन है वो NCERT बेस है या फिर जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन है। टॉप एजुकेटर बोर्ड एग्जाम के पेपर के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो गाइज जरूर एक बार ट्राई करो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में आपको इतना कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो एक बार जरूर गाइज ट्राई करो मेरे कहने पे। और गाइज मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप एक बार भी इसको ट्राई करोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम की तैयारी होगी बहुत अच्छी तरीके से। तो गाइज जरूर डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करके एक बार जाकर एनरोल करो, फ्री है एकदम, तो जरूर ट्राई करना। तो गाइज HRD मिनिस्टर ने ये कहा कि हम बोर्ड एग्जाम की डेटशीट पे वर्क कर रहे हैं और हम बोर्ड एग्जाम की डेटशीट बोर्ड एग्जाम से काफ़ी टाइम पहले रिलीज कर देंगे। और उन्होंने ये बात भी बोली कि हम बोर्ड एग्जाम की डेटशीट को जल्दी प्रिपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि GMains नीट वगैरह की भी डेटशीट उसी पे डिपेंड है। HRD डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट डेटशीट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम से वर्क कर रहा है, वो ट्राई करेगी कि जो CBSE बोर्ड एग्जाम की डेटशीट है और प्रैक्टिकल एग्जाम की डेटशीट है वो दोनों साथ में रिलीज करे, जिससे बच्चों को और जो NTA है उनको GMains की डेटशीट बनाने में हेल्प मिले। क्योंकि कई बार क्या होता है जो GMains है, GMains के एग्ज़ाम होते हैं, नीट के एग्ज़ाम होते हैं, उन्हीं के बीच में जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं उनकी डेट्स आ जाती है, तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसी प्रॉब्लम को बच्चों को ना फेस करना पड़े इसलिए जल्दी ही वो इस तरीके से डेटशीट बना रहे हैं कि दोनों स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, ना प्रैक्टिकल स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो और ना ही GMains के स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो। तो मैक्सिमम फोकस किया जा रहा है और HRD ने ये बात खुद ने कंफर्म करी कि हम डेटशीट बोर्ड एग्जाम से काफ़ी टाइम पहले रिलीज कर देंगे। किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछा था उसी के बिहाफ पे उन्होंने ये आंसर दिया था कि हम डेटशीट को काफ़ी जल्द रिलीज करेंगे जिससे बच्चों को इनफ टाइम मिले बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और गाइस साथ में उन्होंने ये भी बोला कि हम प्रैक्टिकल एग्जाम की डेटशीट भी जल्द जारी करेंगे जिससे बाद में GMains वगैरह के एग्जाम होते उस टाइम बच्चों को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो गाइस काफ़ी ये दो बड़े अपडेट थे, मैंने सोचा कि किसी भी यूट्यूबर ने, मैंने चेक किया तो किसी भी यूट्यूबर ने इन बातों पर डिस्कशन नहीं किया, लेकिन गाइस HRD मिनिस्टर ने कल ये लाइव सेशन में बातें बोली थी। गाइस एक्चुअली क्या था, काफ़ी बड़ा लाइव सेशन था तो हर किसी ने छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन गाइज कल मैं रात को वापस लाइव सेशन देखा, दो तीन बार लाइव सेशन मैंने वापस देखा क्योंकि गाइज HRD मिनिस्टर की हिंदी काफ़ी प्योर है तो हिंदी एक तो समझ नहीं आती, ऊपर से गाइज उनकी कुछ बातें काफ़ी ही डीप की थी, तो मैंने उस लाइव सेशन को वापस देखा तो मेरे को कई इंपॉर्टेंट बातें पता लगी। तो गाइज उसी में से एक इंपॉर्टेंट बात ये भी थी, तो मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट आप सभी को बता दूं, गाइज आने वाले टाइम में आप सभी के लिए डेटशीट जल्द आएगी, वर्क हो रहा है डेटशीट पे और हो सकता है गाइज एग्जाम पोस्टपोन होने की मैक्सिमम चांस है, आप सभी के फेवर में ही डिसीजन आएगा, आपकी पावर हर किसी को पता है, आपने एग्जाम पहले कैंसिल करवाए है तो गाइज आप अब एग्जाम पोस्टपोन भी करवा सकते हो। तो गाइज वेट करो, अपनी स्टडी पे फोकस रखो क्योंकि आने वाले टाइम में शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलने वाली गुड, तो प्लीज़ गाइज स्टडी वगैरह करो। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझसे फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट अपडेट है, अगर अच्छा लगे जरूर शेयर करना, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे फ्रीली कॉन्टैक्ट करो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अपनी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहो।